हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये नाश्ता बन रहा है। तो नाश्ते में आज बन रहे हैं पनीर के साथ वेजीज बहुत सारी ऐड करी है उसके पराठे। तो पनीर मैंने घर पे ही बनाया था और पनीर में ही मैंने इसमें प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, हरा धनिया ये सब ऐड कर दिया था। इससे बहुत अच्छा वाला परांठा बोलते हैं ना, एक तो हम पनीर वाला परांठा खाते हैं, ये पनीर के साथ जो वेजीज मैंने ऐड करी है ना, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और साथ में बच्चे भी खा लेते हैं। अच्छी बात ये रहती है, इसमें और चीज़ें भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्जियाँ जो हम लोगों को पसंद हो। तो बस यहाँ पर आज पनीर के परांठे बन रहे हैं और कैसे बनाती हूँ मैं कभी डिटेल में बताऊँगी आपको, क्योंकि आज वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आशी लोगों की क्लासेस थी तो मेरा फ़ोन थोड़ा सा बिजी था इस वजह से। तो यहाँ पर लास्ट में मम्मी और मेरे लिए बन रहे थे, इस वजह से मैंने वीडियो शूट कर दिया। तो अगली बार जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी अपना यम्मी सा और हेल्दी नाश्ता। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और यहाँ पर मैं आई हूँ अपने रूम में बेडशीट चेंज करने के लिए। और यहाँ पर साथ में ना जो हमारे मैट्रेस है ना, उनको भी मैंने पलट दिया है। ऐसे क्या होता है ना, पलटने से थोड़ा सा जो पिचक जाते हैं एक साइड में, वो थोड़े से फूले हुए हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। थोड़ा सा इनको मॉइस्चर भी रह जाता है, जैसे हम नीचे एक साइड में बिछे रहते हैं, तो टाइम टू टाइम इनको थोड़ा सा अलट पलट करते रहो तो थोड़ा सा बरसात के टाइम पे सीलन जैसी नहीं होती है, ठीक रहते हैं गद्दे। और हो सके तो धूप में डाल दें तो और भी अच्छी बात है। तो जब धूप आएगी तब इसे धूप में भी हम लोग ज़रूर डालेंगे, एक बार तो बीच में मैंने डाले थे इस वजह से। तो यहाँ पर आज बेडशीट चेंज हो रही है और जो वाइट वाली है ना, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है क्योंकि वाइट कलर है इस वजह से, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वाली बेडशीट, तो मैं इसको बिछाती रहती हूँ। और बहुत इजी, मतलब बहुत ही इजी होता है इसको वॉश करना क्योंकि बहुत लाइट वेट है, इस वजह से ये हाथ से भी अच्छे से वॉश हो जाती है। तो जो बेडरूम का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, बेडशीट चेंज कर दी है, कपड़े थे बहुत सारे वो सब फोल्ड करके रख दिए हैं। और इतना आलस आता है ना आजकल, कपड़े फोल्ड करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन अब वो जब दिखते हैं बिखरे बिखरे थे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक से दो दिन में मैं जो कपड़े वो अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि एक दिन के कपड़े इतने होते नहीं हैं, वो दो दिन में जाकर दिखते हैं कि बहुत कपड़े हो गए हैं, तो फिर फोल्ड करके उनकी जगह पर उनको अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद जो कपड़े हैं वॉश करे हुए, उन सबको मैं खाने के लिए आ गई हूँ बाहर। छत में मैं जाती नहीं हूँ, आप सबको पता है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ रहती है, तो इस वजह से आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक ये कपड़े सूख ही जाते हैं अगर बारिश वगैरह ना हुई तो। और वैसे तो देहरादून का मौसम जो है ना, काफ़ी हद तक चेंज होने लग गया है, मानसून ने दस्तक दे ही दी है, तो हमारे यहाँ रात को बारिश हो ही रही है कंटिन्यू, चाहे दिन में कितना भी गर्म हो लेकिन रात को बारिश हो जाती है, जिससे कि थोड़ा सा ठीक रहता है मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन ठीक ठीक रहता है।
और अभी डायरेक्ट मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ चाय पे। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एडिटिंग भी करनी पड़ती है दूसरे वीडियोज़ की, तो इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ कई बार। तो सीधा शाम को मिल रही हूँ आपको, चाय बनाने जा रही हूँ मैं। इससे पहले जितने बर्तन है वो सब लगा देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ना फ़ैन ऑन करा हुआ है, तो मुझे लगता है फ़ैन की थोड़ी हवा ले लेते हैं, तब तक जो बर्तन है वो लगा देते हैं और उसके बाद चाय वगैरह बनाएंगे। और चाय के साथ आज मैं कुछ थोड़ा बहुत अलग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ना पराठे बनाए थे आलू के, तो उस वजह से वो आलू का वो जो मिक्सचर होता है ना वो बचा हुआ था, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने मिलाई थी, लहसुन अदरक प्याज और आलू तो थे ही, धनिया, ये सब मसाले बहुत अच्छे अच्छे से जो होते हैं, चाट मसाला गरम मसाला, तो मेरे पास थोड़ा सा मिक्सचर उसका बच गया था। तो मुझे ध्यान है कि मैं आलू बोंडा बनाती हूँ, तो यहाँ पर आलू बहुत कम थे इसलिए बेसन में बहुत कम ले रही हूँ, और बेसन के साथ ही मैंने इसमें धनिया हल्दी लाल मिर्च और नमक ऐड कर दिया है, साथ में एक चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बैटर हम लोग घोल सा बना लेंगे, और ये घोल ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि हम आलू को कोट करें तो ये अच्छे से कोट हो जाए, पानी पानी ना हो। तो यहाँ पर अच्छे से इसको फेंट लूँगी मैं एक बार, और मैंने आलू की जो बॉल्स है ना पहले से बना के रेडी करी हुई हैं, क्योंकि जब था इसलिए मैं आपको इतना डिटेलिंग में दिखा भी नहीं पा रही हूँ। तो मेरे पास आलू पहले से बचे हुए थे, उनकी मैंने बॉल्स वगैरह छोटी छोटी बॉल्स, क्योंकि घर में हम लोगों को ही खाना है, तो छोटी छोटी बॉल्स मैंने बना के रखी हुई हैं ये, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इन सभी बॉल्स को ना मैं अभी जो बैटर मैंने रेडी कराया ना उसमें इसको डिप करके और इनको फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने हल्की सी एक चुटकी से भी कम मैंने इसमें सोडा डाला है, मीठा सोडा जो होता है वो डाला है, और जो मेन चीज़ थी ना इसमें कॉर्नफ्लावर वो मैं डालना भूल गई लास्ट मोमेंट में, बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर गया कि वो भी डालना है, नहीं तो ये बहुत अच्छे बनते। वैसे टेस्ट तो इनका बहुत अमेजिंग था, लेकिन ये फट गए थे क्योंकि मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालना भूल चुकी थी। तो अगर आप लोग बनाओगे तो कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालना, इसमें एक चम्मच डेढ़ चम्मच बराबर, इससे फटते नहीं है, मेरे पता नहीं क्यों ध्यान से उतर गया। तो जितने भी ये आलू बोंडा बना रही हूँ सबको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और मेरे पास आधी कटोरी के लगभग मतलब ना वो था चावल बचे हुए थे दिन के, तो उनको भी मैंने इसी बेसन में, क्योंकि बेसन थोड़ा सा बच रहा था, इसी बेसन में मिला के मैंने उसके भी पकौड़े टाइप के बना दिए जो बहुत अच्छे हो रहे थे। तो बस इनको उलट पुलट करके गोल्डन फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर तक इनको होने तक ना फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हमारे आलू बोंडा बन चुके हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी आलू बोंडा कैसे बने हैं। तो यहाँ पर जितने भी आलू बोंडा थे आप देख सकते हो बन चुके हैं, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी इन्हें देख के कि जो बोंडा है सिर्फ वही बचा है, आलू का नाम नहीं, निशान नहीं है, बता रही हूँ कहाँ गए वो, एक्चुअली फूट गए थे ना तो सारे के सारे ऑयल में वो हो गए थे। तो लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी थे, अगली बार मैं याद से रखूँगी कि इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करना है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से ये बोंडा जो है वो ख़राब बोल सकते हैं कि इनका जो शेप है वो ख़राब हो गया, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छे थे ये। तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से मैं दोबारा से इसको ट्राई करूँगी। और यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद मैं आज सिया को पढ़ा रही हूँ, आशी को पढ़ा रही हूँ। आशी डाइनिंग टेबल में बैठी है, सिया को मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, क्योंकि दोनों साथ में बैठते हैं ना तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो सिया को मैं यहाँ बिठा रही हूँ, और सिया के साथ थोड़ा सा मुझे बैठना ही पड़ता है क्योंकि इसको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, बेटा इसके बाद ये लिखो इस वजह से। तो बस बच्चों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद अपना डिनर की तैयारी करूँगी। देखो बारिश हो रही है फिर से, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और ये सामने हमने रखे हैं चने, तो ये वाले चने ना ये साफ करे थे ना, तो ये चने थोड़े वैसे हो रहे हैं बहुत हार्ड, तो ये बंदर के लिए रखते हैं क्योंकि तो बंदर को भी चने देते हैं ना खाने के लिए इस वजह से। और बहुत अच्छी बारिश सी होने लगी है, शायद आपको आवाज़ भी आए।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मॉर्निंग से थोड़ा थोड़ा वीडियो स्टार्ट करा, फिर दिन में बनाया, अभी शाम से फिर कंटिन्यू करा, लेकिन आप लोगों से मिल नहीं पाई क्योंकि मैं कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था कि फ़ोन हाथ से पकड़ के आप लोगों से बात कर सकूँ। तो और आपको ना बैकग्राउंड में बारिश के बाद ज़रूर से आ रही होगी, बहुत अच्छी बारिश होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बारिश दिखाई ना, उससे भी तेज़ बारिश हो गई है और शायद मेरी आवाज़ आपको कम आए और बारिश के बाद ज़्यादा आए, बैकग्राउंड म्यूज़िक ना बारिश वाला, तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं आपको फिर से दिखाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ खिड़की से देख रही हूँ ना मैं, यहाँ से तो यहाँ से देखकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है मैं आपको दिखाऊँ, तो अभी आपको दिखाऊँगी मैं। और बहुत ही तेज़ ही बारिश होने लगी है। तो आज ब्लॉग जो है सुबह से शुरू करा था लेकिन फिर वो फिर करते करते शाम ही हो गई है। और अभी मैंने दूध जो है वो बॉयल करने का रख दिया है, साथ में सिया और आशी को थोड़ा सा होमवर्क भी करवा दिया है। तो सिया के साथ ये होता है कि बैठना पड़ता है होमवर्क करने के लिए क्योंकि वो ना खुद से नहीं कर पाती है, मतलब वैसे तो कर लेती है लेकिन उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है कि बेटा इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसके बाद बैठना पड़ता है, आशी के साथ भी बैठना पड़ता है। अब आशी थोड़ा सा बड़ी हो गई है तो अपने आप से कर लेती है। तो बस अभी डिनर का भी टाइम हो गया, 7:30 बज गए हैं। तो आज हम लोग बैगन आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, सिंपल सी। और जैसा कि आपने देखा मैंने आलू बॉंडा बनाया, तो आलू बॉंडा बहुत ही बेकार वाला, मतलब टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा था उसका लेकिन जो वो बने हैं ना वो ख़राब हो गए क्योंकि अरारोट की वजह से उसकी शेप जो है फट गई थी, तो पोपट हो गया यहाँ पे। तो मैं मुझे याद था, बिल्कुल अच्छे से ध्यान था कि अरारोट उसमें डालना है, मतलब कॉर्न फ्लावर जो होता है ना वो उसमें डालना है, लेकिन डालते वैसे मैं भूल गई कि उसमें वो भी ऐड करना है। तो चलिए कोई भी, लेकिन हमने खाया, काफ़ी टेस्टी था, बहुत अच्छा था वो। तो उसके बाद बस सीधे मैंने आशियों को पढ़ाया और आपको फिश दिखाया, मुझे वो एक एरिया में वो मम्मी और साफ करा था परसों, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करा। कल कोई वीडियो नहीं बनाया था इसलिए आज कोई वीडियो आप लोगों को मिलना भी होगा। तो अभी मैं किचन में जा रही हूँ, फटाफट आपको बारिश भी दिखाती हूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा। और चलिए चलते हैं किचन में, मुझे सब्ज़ी वगैरह भी बनानी है और उसके बाद थोड़ी सी हमें पैकिंग भी करनी है, किस चीज़ की वो आपको गेस करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है, बताऊँगी नहीं अब तो, बाद में आपको बताया कहाँ जा रही हूँ, लेकिन आप लोग तब तक गेस करके कमेंट ज़रूर करना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए किचन में चलते हैं अभी। और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, टाइम इस टाइम पे 10:30 या फिर 11 बज रहे होंगे। आशी और सिया दोनों नहा चुके हैं, कपड़े उन्होंने पहन लिए हैं लेकिन उनके बाल बनाने रहता है, और जब तक बाल ना बनाओ कपड़े कितने भी अच्छे पहन लो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे नहाए धोए हैं ही नहीं, लेकिन वो नहा चुके हैं। तो बस इनके बाल अभी बनाऊँगी मैं, थोड़ा सा आप देख रहे हो मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो इसको करने के बाद आशी लोगों के बाल बनाऊंगी, थोड़ा मैं नाश्ता वगैरह करूंगी। और आज मैंने भी हेयर वॉश करा है अपना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो आप देख रहे हो सामने बैग पड़ा हुआ है, तो हम लोग निकल रहे हैं ससुराल से, थोड़े दिनों के लिए बाबा आए घर रहे हैं, और अभी आपको पता ही चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तब तक आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है मैं कहाँ जा रही हूँ। और आप सबको मिलूंगी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय, नए वीडियो के साथ मिलूंगी, बाय।